बाल भारती इंटर कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन के कारण आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। इसी कारण विद्यालय द्वारा निर्णय लिया गया है कि क्या ऑनलाइन द्वारा आप लोगों को घर बैठे पढ़ाया जाए। मैं आप लोगों को आज सबसे पहले इस टॉपिक में आपको बताएंगे विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है और विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले स्टार्टिंग बेसिक से स्टार्ट करेंगे जो 8th और 9th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। सर्वप्रथम बात होती है विज्ञान प्रौद्योगिकी की, ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि इस समय जो साइंस का उपयोग क्या है और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या किया जा रहा है जो साइंस के लिए सबसे अधिक है। सबसे पहली बात आती है कि हमारे पास साइंस, साइंस का अर्थ होता है विज्ञान, उसका टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है प्रौद्योगिकी। आज साइंस की परिभाषा होती है कि सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है इस साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम बात आती है विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। पहली बात आती है विज्ञान को हम बायोलॉजी में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। दूसरी बात आती है फिजिक्स, जिसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। तीसरी बात आती है रसायन विज्ञान, जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान, अब देखा जाए तो साइंस हमारा जो है बेसिक में देखा जाए तो विज्ञान को 10th तक हाई स्कूल की क्लासेस तक हम लोग ये तीनों को साथ में पढ़ते हैं। जो हमारा जीव विज्ञान होता है बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान होता है फिजिक्स, रसायन विज्ञान होता है हमारा केमिस्ट्री। अब इसके अंतर्गत जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी के अंतर्गत जो आता है हमारा, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। हम आप लोगों को बायोलॉजी के विषय बताएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर उसके बाद इस टॉपिक पे बाद में चर्चा करेंगे। पहली बात आती है बायोलॉजी की। जो बायोलॉजी होता है इसको दो भागों में बांटा गया है, पहला जो है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी, ठीक। अब हम कह सकते हैं जो जूलॉजी है हमारा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, क्या कहते हैं जंतु विज्ञान। उसके बाद बॉटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान, क्या कहते हैं वनस्पति विज्ञान। अब बात आती है जो जंतु विज्ञान है और वनस्पति विज्ञान है और जीव विज्ञान है। हम कह सकते हैं जो साइंस है इस साइंस को हम तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं, पहला है बायोलॉजी, दूसरा है भौतिक विज्ञान, तीसरा हमारा रसायन विज्ञान। अब जो बायोलॉजी को बांटा गया है, उसे दो भागों में बांटा गया है, पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। अब हम सिंपल भाषा में बता सकते हैं, कह सकते हैं कि जो हमारा ये बायोलॉजी है, जो हमारे ये जीव विज्ञान है, ये सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया और सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने इसका शब्द दिया। तो हम कह सकते हैं जो बायोलॉजी शब्द है, सर्वप्रथम जो शब्द की बात आती है, ये शब्द 1801 ईस्वी में लैमार्क और रेनस नामक वैज्ञानिक ने शब्द दिया। तो कह सकते हैं जो लैमार्क थे ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे और जो ट्रेविनस थे ये जर्मनी के थे। एक प्रकार से कह सकते हैं कि बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में, बायोलॉजी शब्द सन 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविनस
टेरनस नामक वैज्ञानिक ने दिया, लैमार्क और टेरनस नामक वैज्ञानिक ने दिया। अब बात आती है ये बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, हम कह सकते हैं या अर्थ कहिए इनका, या एक प्रकार से कह सकते हैं परिभाषा, ठीक है। हम इनके भागों की बाद में चर्चा करते हैं, इनके भागों के बारे में पहले हम ध्यान देंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किन किन भाषाओं से मिलकर बना है, कितने भाषाएं हैं इसमें। बात करते हैं जो जीव विज्ञान है यह हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया है, कह सकते हैं बायोलॉजी हमारा किसके भाषा से है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। इस बायोलॉजी को जब हम इसका अर्थ निकालते हैं तो इसके दो भागों में बांट सकते हैं, पहला होता है बायो, बायो का अर्थ होता है बायोस, बायो का अर्थ होता है बायोस, बायोस मीन्स होता है लाइफ, क्या होता है लाइफ, या कह सकते हैं लिविंग, ठीक है। अब बात आती है जो लॉगो है, लॉगोस, लॉगो का अर्थ होता है लॉगोस, क्या होता है लॉगोस, लॉगो का अर्थ होता है लॉगोस, ठीक है। अब इस लॉगोस के अंतर्गत, ठीक है, बायो का अर्थ होता है बायो, बायो मीन्स होता है लाइफ, और लॉगो का अर्थ होता है लॉगोस। अब लॉगोस का मतलब होता है एसटीडी, क्या होता है एसटीडी, ठीक। लाइफ का अर्थ होता है जीवन, एसटीडी का अर्थ होता है अध्ययन, एसटीडी का अर्थ होता है अध्ययन। तो हम कह सकते हैं कि जो बायोलॉजी है, जो ये बायोलॉजी है या जीव विज्ञान है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, और इसका बायो का अर्थ होता है बायोज, और लॉगो का अर्थ होता है लॉगोस। अब बायोज को परिवर्तित करके लाइफ होता है, बायोज का अर्थ होता है लाइफ, और लॉगोस का अर्थ होता है एसटीडी। तो लाइफ मीन्स होता है जीवन, और एसटीडी मतलब होता है अध्ययन। तो परिभाषा इसकी होगी कि जीव विज्ञान में या इसके अंतर्गत किसी जीव के जीवन का अध्ययन करते हैं। तो कह सकते हैं किसी जीव, किसी जीव के जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है बायोलॉजी। तो कह सकते हैं किसी जीव के जीवन का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब बात आती है, पहला क्वेश्चन आपसे ही पूछेगा कि सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, कितने सन में दिया, पूछता है किसने सन में दिया, तो 1801 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है किस वैज्ञानिक ने दिया शब्द, तो बताना है लैमार्क और टेरनस ने। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी किस भाषा से ली गई है, तो आपको बताना है ग्रीक भाषा से ली गई है। अगली बार पूछेगा कि बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, तो बताना बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन, या कह सकते हैं बायो का अर्थ होता है बायोज, या लॉगी का अर्थ होता है लॉगोज, जिससे बायोज को लाइफ और लॉगोज को एसटीडी, लाइफ मतलब जीवन, एसटीडी मतलब अध्ययन। मैं कह सकता हूँ किसी जीव के जीवन का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब बात आती है जीव विज्ञान का अध्ययन, अब इसमें बात आती है इनके किए कितने पार्ट्स में विभाजित किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि फादर साहब, बात करते हैं कितने पार्ट्स में विभाजित किए गए हैं। अब पार्ट्स इसके क्या हैं, दो पार्ट्स हैं, पहला क्या है जूलॉजी, अगला पार्ट्स है बॉटनी। जूलॉजी का अर्थ होता है जंतु, बॉटनी का अर्थ होता है पादप, या कह सकते हैं पादप कहिए या वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अब बात आती है जूलॉजी, ये भी ग्रीक भाषा से लिया गया, इसका जब हम अर्थ निकालेंगे तो जू का अर्थ होगा, जू बराबर होगा जोन, जोन का अर्थ होता है एनिमल, एनिमल का अर्थ मतलब होता है जंतु। उसी तरह लॉगो, लॉगो का अर्थ क्या होता है
लॉगी का अर्थ होता है लॉगोस, क्या होता है लॉगोस, लॉगोस मीन्स एस्टडी, एस्टडी का मतलब अध्ययन। तो कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है बॉटनी की, बॉटनी का अर्थ है बूटी, बॉटनी का अर्थ है बूटी। यह बूटी शब्द से लिया गया है, जैसे कह सकते हो जड़ी बूटी, मतलब वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसके जीव विज्ञान के अंतर्गत किसी जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसके जूलॉजी के अंतर्गत किसी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है या किसी प्राणी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसके बॉटनी के अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब कह सकते हैं कि जूलॉजी के जनक कौन है, जनक मतलब होता है फादर, कह सकते हैं फादर, जूलॉजी कौन है, तो बताना किसको है, अरस्तु को, कौन है अरस्तु, ठीक है। कहेगा जूलॉजी के जनक किसे कहा गया है, तो बताना क्या है, अरस्तु को। कह दिया बॉटनी का, या कह सकते हैं वनस्पति का जनक किसे कहा गया है, तो बताना किसको, थियोफ्रेस्टस को, थियोफ्रेस्टस। ठीक, अब बात आती है कि जनक की, अब बात आती है जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, इनमें भी बताना है किसको आपको, अरस्तु को, किसको बताना है, अरस्तु को। मतलब कह सकते हैं कि जूलॉजी को बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहा जाता है, और जीव विज्ञान शब्द 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेवनस ने दिया। अब आ जाते हैं जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। इसके अंतर्गत जंतुओं तथा प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल। उसके बाद इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति, स्टडी ऑफ प्लांट। ठीक, अब बात आती है फादर्स ऑफ जूलॉजी, फादर्स ऑफ जूलॉजी, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जूलॉजी या जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको बताना किसको है, अरस्तु को, पहला क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा इसी में क्वेश्चन बना देगा कि फादर्स ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु। अगला क्वेश्चन इसी में पूछेगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस बताना है। पूछ रहे फादर्स ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस। ये बात है जूलॉजी और बायोलॉजी के विषय में। अब बात आती है जीव विज्ञान, जैसे फादर साहब बता दिए जूलॉजी कह दिया, ठीक है, या कह दिया कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको बताना क्या है, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, बॉटनी का थियोफ्रेस्टस। ठीक, अब बात आती है जो जंतु हैं, ठीक है, जंतु हैं, हम इन्हें कैसे पहचानेंगे, ये एक सजीव जंतु है, लिविंग जंतु है, ठीक है, जो जंतु हैं ये सजीव जंतु हैं, हम इन्हें कैसे पहचानेंगे, तो कह सकते हैं हमारा अगला हेडिंग हो सकता है जंतुओं का सजीव लक्षण, जंतुओं का सजीव लक्षण। अब इन जंतुओं में कुछ निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं कि हम इनको पहचान सकते हैं या कह सकते हैं यह एक प्रकार के सजीव जीव हैं। जैसे हम कह सकते हैं पहला लक्षण क्या होता है, इनमें कोशिका का संगठन होता है, क्या होता है, कोशिका का संगठन होता है। मतलब कह सकते हैं
यह एक संरचनात्मक क्रियात्मक जनन की सबसे छोटी इकाई होती है। पहली बात, कोई भी जीव होगा, सजीव जीव होगा, तो उसका पहला लक्षण यही होगा कि उसमें क्या होगा, एक प्रकार का सेल पाया जाएगा। ठीक है, एक प्रकार का सेल पाया जाएगा जो क्या होता है, वह कोशिका का संगठन होता है। कोशिका जो होती है संरचनात्मक क्रियात्मक जनन की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरी बात आती है, इन सभी जंतुओं में जो सजीव जंतु होते हैं इनमें दूसरा पॉइंट जो होता है श्वसन की क्रिया होती है। इसकी क्रिया क्या है, श्वसन की क्रिया होती है। मतलब कोई भी जीव है जीवित रहने के लिए वह एक प्रकार से श्वसन की क्रिया करता है। हम कह सकते हैं जीवों को जीवित रहने के लिए किसी भी एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में वह जीव रह रहा है उस एनवायरनमेंट से उसको ऑक्सीजन मिलता है, वह ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। मतलब पेड़ पौधों की सहायता से, जिस एनवायरनमेंट में वह जीव है उसकी सहायता से वह ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। अब अगली बात आती है पाचन की क्रिया। जो सजीव जीव होते हैं वो पाचन की क्रिया करते हैं, मतलब डाइजेशन की क्रिया करते हैं। मतलब एक प्रकार से वो भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद उनके अंदर पचाने की शक्ति होती है। अगली बात आती है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास, कोई भी छोटा सा जीव होता है, ठीक है, कोई भी छोटा सा जीव होता है वो क्या करता है, वृद्धि की क्रिया करता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या, उसके बाद विकास की क्रिया करता है। लगा सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्रिया सजीवों में पाई जाती है। अब अगली बात आती है पोषण की क्रिया। क्या करते हैं, ये भोजन पोषण की क्रिया करते हैं। तो एक प्रकार से कह दिया जो सभी जीव होते हैं स्वपोषण अथवा परपोषण के माध्यम से अपने पोषण का अनुकरण तथा जैविक क्रियाओं की पूर्ति करके आवश्यक ऊर्जा का प्राप्त करते हैं। आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सकते, कह सकते हैं कि कोई भी जीव है वह पोषण की क्रिया करेगा तो उसे एक प्रकार की ऊर्जा मिलेगी। अब अगली बात आती है जनन की, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। मतलब जनन की क्रिया ऐसी क्रिया है जिससे नर तथा मादा के मिलने के कारण, कह सकते हैं मेल तथा फीमेल के मिलने के कारण एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। यह सजीव जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है, जिससे आगे की इनकी, जिससे इनके आगे की निरंतरता और अस्तित्व इनके जातियों का बना रहे। और इनमें जो जनन की प्रोसेस होती है लैंगिक तथा अलैंगिक पाई जाती है। अब बात आती है अगला गति की, गति तथा प्रचलन। ठीक, अब गति मतलब मूवमेंट, प्रचलन मतलब लोकोमोशन। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जीव होते हैं गति करते हैं, कुछ ऐसे जीव जो होते हैं लोकोमोशन करते हैं, मतलब कह सकते हैं प्रचलन की क्रिया करते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ये प्रोसेस हमारा होता है सजीवों में। अब देखा जाए तो आगे की क्रिया जो होती है सजीवों में परिसंचरण की होती है। क्या होती है, परिसंचरण की क्रिया। परिसंचरण मतलब होता है कि ऐसे सजीव जंतुओं में जिसमें रुधिर का क्या होता है, परिसंचरण की क्रिया होती है। उसके बाद अगली क्रिया इसमें होती है उत्सर्जन की, उत्सर्जन की। मतलब कह सकते हैं जो सजीव जीव होते हैं वह अवशिष्ट पदार्थ को अपने शरीर, इनके शरीर के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उस अवशिष्ट पदार्थ को ये बाहर निकालते हैं। मतलब एक प्रकार से जंतुओं का जो ये सजीव लक्षण होता है वह निम्नलिखित इस प्रकार है, कह सकते हैं पहला जो प्रोसेस होता है कोशिका का संगठन होता है, कि मतलब किसी भी जीव का जो शरीर बना है वह कोशिका तथा सेल जिसे हम बोलते हैं उससे उसके शरीर का निर्माण होता है। यह क्या होता है, यह एक प्रकार की संरचनात्मक और क्रियात्मक जनन की सबसे छोटी इकाई होती है। और दूसरी बात आती है श्वसन की,
जो ये जीव होते हैं यह श्वसन की क्रिया करते हैं, यह एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तीसरी क्रिया जो होती है पाचन की क्रिया करते हैं, मतलब जो भोज्य पदार्थ पोषक की क्रिया किए रहते हैं उसे ये अपने शरीर में पचाने की क्रिया करते हैं। चौथा प्रोसेस जो होता है वृद्धि एवं विकास, मतलब जीव जो क्या होते हैं छोटे से रहते हैं धीरे 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 क्या करते हैं वृद्धि करते हैं। उसके बाद अगला पोषण की क्रिया जो होता है, अगला प्रोसेस जो है पोषण, पोषण मतलब जो ये भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं जिनसे इनको क्या मिलती है एक प्रकार की क्या मिलती है ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रोसेस जो होता है जलन की, मतलब जो सजीव जीव होते हैं या अपने ही जैसे प्राणी को क्या करते हैं उत्पन्न करते हैं या जन्म देने की क्रिया करते हैं। अगली बात आती है गति तथा प्रजनन की, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो गति करते हैं जैसे मनुष्य, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो लोकोमोशन तथा प्रजनन की क्रिया करते हैं, जैसे हमारे पास जैसे हो गया एक कोश की जीव हमारे पास हो गया जैसे अमीबा हुआ पैरामीशियम यूनिट में क्या करते हैं लोकोमोशन की क्रिया करते हैं प्रजनन की क्रिया करते हैं। अगला प्रोसेस जो हमारे पास है परिसंचरण, ये परिसंचरण की क्रिया में क्या होता है कि ये जीव जो होते हैं अपने शरीर में ब्लड का निर्माण करके पूरे शरीर में परिसंचरण की क्रिया करते हैं। और अगली बात लास्ट बात आती है जो होता है उत्सर्जन, इसके अंतर्गत जो जीव भोजन को ग्रहण किए रहते हैं और पचाने के बाद जो इनके शरीर में अकार्बनिक पदार्थ होता है अवशिष्ट पदार्थ होता है वह उसे क्या कर देते हैं उत्सर्जित कर देते हैं गुदा के द्वारा। अब बात आई इतनी ये सजीवों की बात हुई, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं होती हैं उन शाखाओं के जनक कौन होते हैं। ये आप लोगों की बेसिक क्लासेस है, इतना नॉर्मल बेसिक क्लासेस बायोलॉजी की हर सब्जेक्ट में जानकारी रखना चाहिए। उसके बाद बेसिक सब्जेक्ट है बेसिक टॉपिक पर विचार विमर्श करना चाहिए, उसके बाद फिर हम सिलेबस पे आएंगे आगे हम कुछ अपनी बेसिक टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे कुछ हमारे पास कुछ शाखाएं होती हैं विज्ञान की कि ये शाखाएं हैं इन शाखाओं का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया, जैसे हम कह सकते हैं एक तरफ हम कह सकते हैं लिख सकते हैं आप लोग अपने नोटबुक में उतारते चलिएगा लिखते चलिएगा, जैसे छोटी सी है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं होती हैं, क्या होती हैं जीव विज्ञान की शाखा, ठीक है जिसे हम ब्रांच बोलते हैं साइंस ब्रांच या बायोलॉजी ब्रांच, ठीक है। उसके बाद जनक जिसे हम क्या बोलते हैं फादर्स बोलते हैं पितामह बोलते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जीव विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है या फादर्स किसे कहा जाता है, बताना क्या है अरस्तु को। कभी पूछ ले जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है तो बताना किसे है अरस्तु को। कभी वनस्पति विज्ञान के जनक किसे बताया कहा जाता है तो बताना है किसको थियोफ्रेस्टस को। फिर से हम रिपीट करा देते हैं स्टार्टिंग से, पूछे जब विज्ञान की परिभाषा पूछता है विज्ञान किसे कहते हैं तो बता दीजिएगा सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है आपके बुक में यही मिलेगा। एक थ्योरी और होती है इसकी सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं प्रयोगात्मक क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है जिनकी शाखाएं हैं तीन प्रकार की, पहला जो होता है जंतु विज्ञान जिसे हम जूलॉजी बोलते हैं, दूसरा जो होता है फिजिक्स जिसे हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान, तीसरा जो होता है रसायन विज्ञान जिसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक। अब बात आती है जंतु विज्ञान की, जंतु विज्ञान का अर्थ होता है जिसके इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जंतु तथा प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आप पूछता है जंतु विज्ञान के जनक कौन है तो आपको बताना है अरस्तु है, ठीक है। पूछेगा जंतु विज्ञान किस भाषा से लिया गया है तो बताना है ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु पूछेगा, पूछेगा फादर्स ऑफ जूलॉजी तो आपको बताना है अरस्तु, ठीक। और उसके बाद पूछेगा वनस्पति विज्ञान का अर्थ क्या होता है बता देना बूटी होता है, पूछेगा वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो बताना है थियोफ्रेस्टस को। उसके बाद आपसे पूछेगा कि वनस्पति
फादर साहब बॉटनी, फादर साहब बॉटनी, तो बताना किसको, थियोफ्रेस्टस को। पूछ लिया कि आप एक सजीव हैं, क्वेश्चन आपसे कोई करता है कि आप घर पर या कोई आपसे आपका मित्र पूछता है कि आप एक जंतु हैं, आप एक सजीव हैं, तो आप बताइए आपके अंदर क्या लक्षण हैं सजीवों के, तो आप बता दीजिएगा कि पहला कि जो सजीव होते हैं उनके अंदर कोशिका का निर्माण होता है, एक कोशिका का संगठन पाया जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोशिका है क्या, पूछेगा सेल किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा कि संरचनात्मक क्रियात्मक जनन की सबसे छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि ये पहला पॉइंट है, दूसरा आपसे पूछ लिया, दूसरा आप बताइएगा कि ये तो पहला आपका कोशिका हो गया, दूसरा आपसे पूछेगा दूसरा अक्षर बताइए, तो आप बता दीजिएगा जो सजीव जंतु होते हैं वो श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है, श्वसन की क्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया में वो ऑक्सीजन को एनवायरमेंट से, पर्यावरण के द्वारा या एनवायरमेंट से वो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक। अगला तो आपसे पूछेगा कि अगला लक्षण क्या है, तो आप बताइएगा कि जो सजीव जंतु होते हैं वो पोषण की क्रिया करते हैं, मतलब कह सकते हैं कि जो सजीव जीव हैं वह भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं जिससे उनको भोजन ग्रहण करने से ऊर्जा प्राप्त हो और वो अपना कार्य कर सकें। अगली बात आती है पाचन की क्रिया, जो वो भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन हमारे शरीर में जाकर पचाने की क्रिया करता है, वो जो पचाने की क्रिया करता है एंजाइम की सहायता से हमारे शरीर में भोजन क्या होता है, पचने की क्रिया करता है। अब अगली पॉइंट आता है कि अगला लक्षण होगा कि जो भोजन की क्रिया पचाने की क्रिया करता है, फिर उसके बाद आ जाएगा कि प्रजनन, बता दीजिएगा कि अगला लक्षण सजीवों का होता है प्रजनन या जनन, मतलब कह सकते हैं कि अपने जैसे संतति को उत्पन्न करने की क्रिया को हम जनन कहते हैं, ठीक है। जब कह क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं क्यों करते हैं, बता दीजिएगा कि उनका आगे का अस्तित्व बना रहे और उनकी जातियों का आगे विकास होता रहे और इनकी जीवन निरंतर चलती रहे। अगला पूछता है कि अगला लक्षण बताइए, तो बता दीजिएगा अगला लक्षण सजीवों का होता है वृद्धि तथा विकास, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो बच्चे छोटे से रहते हैं पहले तो वो युग्मक रहते हैं, फिर से युग्मक बनते हैं, फिर 9 मंथ या 270 डेज माँ के गर्भ में वो क्या करते हैं, में जो ग्रोथ करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, विकास करते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ डेवलप होने के बाद बच्चे का जब 9 मंथ के बाद जन्म हो जाता है तो धीरे 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 विकास करके हम लोगों की तरह हो जाते हैं, ये क्या होता है, सजीवों के लक्षण है। उसके बाद लास्ट लक्षण आप बता दीजिएगा, कह दीजिएगा ये इनमें क्या होता है, उत्सर्जन की क्रिया होती है, मतलब कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं कि जो अवशिष्ट पदार्थ को हम या भोजन के रूप में जो हम पदार्थ खाते हैं, जो घुलनशील पदार्थ होता है हमारे शरीर में घुल जाता है, जो अघुलनशील जिसे कहते हैं अवशिष्ट पदार्थ होता है वो हमारे शरीर में नहीं घुलने पाता, उसी को हम गुदा के थ्रू बाहर त्यागते हैं, ठीक है। अगली बात आते हैं आनुवंशिकता, इनमें अगला लक्षण होता है आनुवंशिकता, ठीक है। आनुवंशिकता क्या होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी क्या होता है, स्थानांतरित होता है, क्या लक्षण, जो हमारे पेरेंट्स में लक्षण पाए जा रहे हैं वही लक्षण आने वाले शिशु में पाया जाएगा, मतलब आने वाला जो उनका बच्चा होगा या आने वाला उनका जो एक नया जीव होगा, ठीक है, उनमें उनका लक्षण पाया जाता है, मतलब कह सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जो लक्षण जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक। और उसके लास्ट पाया जाता है इसमें उपापचय, उपापचय में होता क्या है कि जो इनके शरीर में टूटी फूटी हड्डियां होती हैं, सेल्स टूटी होती हैं, उनको क्या करता है, उन प्रोटीन की सहायता से, कार्बोहाइड्रेट की सहायता से इनके जोड़ने की क्रिया करता है, ठीक। अब बात आती है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं होती हैं, इनके कुछ जनन की बात आती है, ठीक। जैसे हमने पहले ही बता दिया कि जीव विज्ञान जो है इनके भी जनक अरस्तु कहे जाते हैं, उसके बाद जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु कहे जाते हैं, बॉटनी के भी अरस्तु कहे जाते हैं। तो सर्वप्रथम आते हैं हम जिसे कहते हैं शैवाल विज्ञान, पहला जो होता है फाइकोलॉजी जिसे बोलते हैं शैवाल विज्ञान, ठीक है।
जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत जो आता है ये शैवाल होते हैं, फंगी माइकोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में से, जिसे शैवाल विज्ञान कहते हैं। तो पहला पूछता है कि शैवाल विज्ञान की खोज या जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, या कह सकते हैं फादर्स ऑफ माइकोलॉजी, तो बता दीजिएगा हेनरी हार्वे। ठीक, तो कह सकते हैं कि शैवाल विज्ञान के जनक हेनरी हार्वे को कहा जाता है। दूसरा कह सकते हैं जंतु विज्ञान की खोज या कह सकते हैं जनक अरस्तु को कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं, इंग्लिश में जंतु विज्ञान को जूलॉजी। तीसरा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान इनके जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अगला है सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसे माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी मतलब इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कह सकते हैं ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों के द्वारा न देख सके, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। इसके जनक लुई पाश्चर। ठीक, अगला पांचवा प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी। प्रतिरक्षा विज्ञान इसके जनक जो है एडवर्ड जेनर। अगला आता है रुधिर परिसंचरण, जिसे बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर परिसंचरण के जनक विलियम हार्वे। अगला आता है कोशिका विज्ञान, जिसे बोलते हैं साइटोलॉजी। इसके जनक रॉबर्ट हुक हैं। ठीक, समझिएगा फिर से, कह सकते हैं कि जो हमारा शैवाल विज्ञान है इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन करते हैं, ये इसके जनक हेनरी हार्वे हैं। तो कह सकते हैं पहला क्वेश्चन इसमें आपसे यही बनाएगा कि शैवाल विज्ञान के जनक या कह सकते हैं पिता या कह सकते हैं फादर्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो बताइएगा हेनरी हार्वे को। अगला कहेगा जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, ठीक है, अरस्तु को। अगला कहेगा वनस्पति विज्ञान के जनक पिता फादर्स किसे, थियोफ्रेस्टस को। सूक्ष्म विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी जिसे बोलते हैं, इसे लुईस पाश्चर का श्रेय दिया गया है। अगला कहेगा प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर को कहा गया है। रुधिर परिसंचरण विलियम हार्वे को। अगला कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक को कहा गया है।